आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की खीर। कद्दू की खीर बनाने के लिए मैंने कुछ ये 5 बड़े स्लाइसेस कद्दू के लिए हैं, 1 लीटर मिल्क के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर स्लाइसेस के सभी छिलकों को अच्छे से साफ कर दिया है और बीज भी जो थे वो सारे निकाल के अच्छे से इन स्लाइसेस को धो लिया है, देखिए इस तरीके से। अब हम इन सभी स्लाइसेस को बारीकी से कद्दूकस कर लेंगे ताकि वो अच्छे से बारीक लच्छे बन जाए कद्दू के। देखिए इस तरीके से मैंने इनको कस लिया है। मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी लिया है, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच देसी घी लिया है छोटे, जिसमें मैं इन कद्दू को डाल लूंगी और इसको भूनूंगी। तब तक जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता है तब तक हमें इसे भूनना है लो फ्लेम पर। मैंने यहाँ पर 1 लीटर मिल्क लिया है जिसे बॉईल करने रख दिया है एक बर्तन में। साथ ही साथ मैंने कुछ इलायची डाली है, इलायची मैंने मोटी रखी है, इनको पीसा नहीं है। और बॉइलिंग के दौरान ही मैंने इसमें 1 कटोरी चीनी डाली है, 1 लीटर मिल्क के हिसाब से मैंने इसमें 1 कटोरी चीनी डाली है। देखिए इस तरीके से हमें इसे स्टर करते रहना है ताकि चीनी नीचे बैठ ना जाए। अगर नीचे बैठ जाएगी तो हमारा दूध जल जाएगा, जिसमें उसमें स्मेल आ जाएगी। तो हमें इसे लगातार स्टर करते रहना है इस तरीके से। दूध में 1 बॉईल आने के बाद मैंने इसमें जो कद्दू भूना था उसको धीरे धीरे करके ऐड करना शुरू कर दिया है। देखिए इस तरीके से हमें धीरे धीरे करके इसमें कद्दू थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और उसे साथ के साथ स्टर करते रहना है इसी तरीके से लगातार। 5 मिनट इसे पकाने के बाद मैंने इसमें चिरौंजी ऐड की। आप जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है, जो भी आप खाते हैं उसे डाल सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश भी ऐड की है और देन इसको फिर मैंने स्टर करना स्टार्ट कर दिया। इसे लगातार हमें चलाते रहना है ताकि उसके कद्दू के जो लच्छे हैं वो नीचे ना बैठ जाएं। हमें बिल्कुल भी इसे सेटल नहीं होने देना है, हमें इसे लगातार स्टर करते रहना है इस तरीके से। आप इसको जितना बॉईल करेंगे इसका फ्लेवर उतना ही एनहेंस होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बॉईल करें। देखिए इस तरीके से जब इसमें उबाल आ गया मैंने इसमें कुछ बादाम और ऐड किए जब बॉईल आ गया उसके बाद, ताकि इसका फ्लेवर उसी टाइम आ जाए। और इसको इस तरीके से खदकाया है बहुत देर तक। देन फिर मैंने इसमें केसर ऐड करा जो कि मैंने पहले से ही दूध में भिगो दिया था और इसको उबलने रख दिया। और को स्टर करते रहना है इस तरीके से कुछ टाइम। बॉईल होने के बाद देखिए इस तरीके से इसके किनारियों पे मलाई जमनी शुरू हो जाएगी और ऊपर भी मलाई आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी खीर अच्छे से पक रही है और आपको इसको अच्छे से पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती, थोड़ी थिक होनी नहीं शुरू हो जाती। आपकी खीर बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको ठंडा होने के बाद आप अच्छे से सर्व कीजिए इसे।